हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 बजे की क्लास होगी, तो 7 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी थी, तो सबने कोशिश की होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मान लीजिए ये आया, तो मैं बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को लाने का क्या मेरा मकसद है आपको समझाना। देखो, ये मैंने वन वेरिएबल रखा, बट इसमें एक वैकेंट है। तो जब भी वैकेंट की बात आती है तो आपको प्री के एग्ज़ाम में सतर्क हो जाना है कि भैया वैकेंट है तो कुछ हमें सोच के चलना है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ए और बी के बीच में 2 पर्सन रहते हैं, तो भैया इसके बीच में ऐसा नहीं होगा कि ए 1, 2 और बी लिख देंगे। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट का भी इंट्रोडक्शन है। तो क्या पता ऐसा हो सके कि ये वाला वैकेंट हो, यहाँ पर्सन हो, यहाँ पर्सन और बी यहाँ हो। तो फ्लोर कितने आ गए इनके बीच में, ए और बी के बीच में? 1, 2, 3 फ्लोर आ गए। और यहाँ कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे। तो कुछ कह नहीं सकते, समझ रहे हो डिफरेंस यहाँ पे? और अगर हाँ, अगर फ्लोर बोल दे कि ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है, तो वहाँ ये बात हो जाएगी कि 2 फ्लोर लेंगे, चाहे वो वैकेंट हो चाहे कोई ना हो। ठीक है, तो हाँ, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता स्क्रीन पे, तो मैं इसको अटेम्प्ट करता। ठीक, करता मैं इसको। पर इससे पहले मैं क्या क्या अटेम्प्ट करता है, पहले मैं सिलॉक्स कर लेता, इनइक्वालिटी कर लेता। अगर मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है ब्लड रिलेशन दिख रहा है, तो मैं पहले उस पर फोकस कर लेता। खैर, इनइक्वालिटी तो रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं रहता तो सिलोलॉजिज्म रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखना बेटा कि पजल और सिटिंग से तो स्टार्ट मत करना रीजनिंग सेक्शन। मिसलेनियस टॉपिक्स जो पहले हैं, फुल मार्क्स तुम्हें 5 में से 5 दिला रहे हैं, उनको करो, ताकि एक कॉन्फिडेंस अच्छा सा देता है कि यार 10 कर लिए हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्वेश्चन भी हो जाएगा। 10 ये कर लेंगे तो पजल कर लेंगे तो 5 मार्क्स और आ जाएंगे मेरे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितना टाइम मुझे लगेगा, मान लो मुझे लग रहा है 4 मिनट, स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, 4 मिनट लग रहा है, तो आपको कितना लगना चाहिए? इसका आधा 2 मिनट, क्योंकि मैं बेटा बोल भी तो रहा हूँ यार, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मुझे 10 मिनट लगता है तो आपको 5 लगना चाहिए इस तरीके से। तो देयर आर 10 फ्लोर इन अ बिल्डिंग, 1 अबव अनदर, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड सो ऑन। 9 पर्संस आर लिविंग इन द बिल्डिंग, 1 वैकेंट फ्लोर इज दियर। 9 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर लिविंग इन द फ्लोर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से लाइन खींच दो। टिक, खूबसूरती मत दिखाना वहां पे कि आराम से लिख दे, ये कर दे, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइन खींच लेना जल्दी जल्दी। सी लिव्स ऑन इवन नंबर अबव 5th फ्लोर, 5th फ्लोर से अबव, तो सी यहां आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है। आगे देखो, 3 पर्संस लिव बिटवीन सी एंड ई। मुझे नहीं पता, अभी तो पता था वैकेंट भी आ सकता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सी और ई के बीच में 3 पर्सन रह रहे हैं, 3 पर्सन रह रहे हैं, तो उसमें वैकेंट भी हो सकता है। एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमिडिएटली अबव ई, ई के इमिडिएटली अबव एच रह रहा है। 4 फ्लोर्स बिटवीन सी एंड ई, तो अब हम ई को हम प्लेस कर सकते हैं क्योंकि फ्लोर का गैप बोला, तो फ्लोर में मतलब हम वैकेंट लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा ई, ऊपर क्यों जाएगा, 1, 2, 3, 4 जगह नहीं है, 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा ई, 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा ई। अच्छा, ई के तुरंत ऊपर क्या था, एच था, ई के ऊपर क्या है, एच था, ई के ऊपर क्या है, एच है, तुरंत है, कोई नीड नहीं अब इसकी। लेकिन अब ध्यान देना, सी और ई के बीच में 3 पर्सन आने थे, जिसमें से क्या हो गया है, देखो इसी में से सी और ई के ही बीच में कहीं ना कहीं वैकेंट होगा, सी और ई के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंट होगा, पर कहां होगा अभी नहीं पता है। आई लिव्स ऑन 9th फ्लोर, तो आई आई और आई, 3 केस ले लिए। 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर सी एंड डी, अच्छा सी 1, 2, डी नहीं आएगा, 1, 2 डी आ जाएगा, 1, 2 डी आ जाएगा, 1, 2 डी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आता, क्योंकि फ्लोर की बात हो रही थी इसीलिए लिखा है, फ्लोर में हम वैकेंट को इंक्लूड कर लेंगे। अब ये बात हो, सी और ई के बीच में कितने पर्सन आने थे, 3 पर्सन, 2 तो हो गए यहाँ पे, सी और ई के बीच में कितने पर्सन आए थे, 1, 2, 3 हो रहे हैं, तो ये मतलब वैकेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन बी एंड जी, तो अभी नहीं पता, बी और जी के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो वैकेंट हो सकता है इसके अंदर, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखो, बी लिव्स अबव द फ्लोर जी, मतलब जो जी के अबव में रह रहा है बी, ठीक है, जी एंड सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर,
तो यहाँ तो नहीं हो रहा है जी और सी एडजेसेंट, हटा दो, सी यहाँ है तो जी यहाँ आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ, जी के ऊपर वन टू बी यहाँ आ जाएगा, अच्छा आगे देखो यहाँ तो जी यहाँ पे भी हो सकता है, जी यहाँ पे बातें बन रही हैं, आगे देखो टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ टू फ्लोर, और एफ और सी एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो यार देखो सी यहाँ है तो जी यहाँ हो सकता है मुझे नहीं पता, या तो एफ होगा मुझे नहीं पता, जी होगा या तो एफ होगा मुझे नहीं पता, बस ये चीज़ समझो, जी यहाँ रखे होते तो एक दो देके बी यहाँ आता, अगर जी यहाँ रखे तो एक दो देके बी यहाँ आ जाता, बातें बन रही है। अब सुनो, ये सी और ई के बीच में ही वैकेंट आना था मेरा, तो कन्फर्म है एक तो यहाँ कोई हो गई होगा, एक दो तीन, तो मतलब ये वैकेंट हो गया, सी और ई के बीच में ही वैकेंट आना तो मतलब ये वैकेंट हो गया। अब बोला था वैकेंट फ्लोर इज एडजेसेंट टू फ्लोर एफ, यहाँ वैकेंट है तो एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ नहीं है, रूल्ड आउट हो गया, ये वैकेंट है तो एफ यहाँ कन्फर्म यहाँ हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, एफ यहाँ जी हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, हो गया, जी के दो के गैप के बाद ऊपर एक दो बी यहाँ हो जाएगा, हो गया, एफ यहाँ है, ए और एफ के पीछे दो फ्लोर थे, एफ एक दो ए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मुझे नहीं पता भी मुझे कितना टाइम लगा, बट मैंने इतनी देर में कर लिया, तो इसका आप आधा कर लेना, इतना टाइम आपको लगना चाहिए, अगर लगा है तो कमेंट करके बताना, क्या पता आपको इससे मतलब आपने एक मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि बेटा लक का भी काम आता है, कभी कभी एक ही वन गो में आप इसी पे चल रहे होगे, इसी रास्ते पर चल रहे होगे और यहीं आपका आंसर आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसी भी केसेस बन जाती हैं, क्योंकि आपका टाइम कम होता है मान लीजिए, और आप कह रहे हो यार दो मिनट बचा है देखिए ट्राई करते हैं, और वन गो में बन गया तो बहुत अच्छी बात है ना, समझ रहे हो बात को। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास आता है बॉक्स बेस्ड, ठीक है, क्या कहता है, नाइन बॉक्स आर स्टैक वन अबव अनदर इन एसेसरी शॉप, ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक लेवी, एडिडास, ज़ारा, कन्वर्स, विक्टोरिया, यूनिक्लो, प्राडा, बर्बरी, नाइक, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अच्छा अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, नाइन बॉक्स में पढ़ते हैं, नाइन लिख देते हैं, नाइन वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से, या वन टू थ्री, बेटा देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि बॉटम पे कौन सा बॉक्स है कितने नंबर का, या टॉप पे कौन है कितने नंबर का, मेंशन है कहीं नहीं, मेंशन है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कहीं नहीं मेंशन है, क्या करोगे पोजीशन बना लो नाइन बॉक्सेस की, कैसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब देखो सीखो यहाँ पे क्या, देखो मेरा काम है सिखाना ना, देखो जैसे हम लोग लीनियर में नहीं करते थे ऐसे, बस वही काम यहाँ कर रहा हूँ, देखो कुछ कर रहा हूँ नया नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, बस वर्टिकल कर दिया, वो हॉरिजेंटल रहता था, ठीक है, नाइन प्लेसेस बन गई। अब समझते हैं आगे, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द विक्टोरिया एंड नाइक, मुझे नहीं पता अभी कि विक्टोरिया और नाइक कहाँ पे हैं, तो उनके बीच में दो बॉक्स का गैप कैसे ले सकता हूँ, वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स लेवी एंड प्राडा, अभी हम ये भी नहीं कह सकते, ज़ारा इज नॉट एडजेसेंट टू लेवी, ये भी नहीं, कन्वर्स ब्रांड इज केप्ट एट पोजिशन टू, अब पोजिशन टू कौन सी, बॉटम से कि टॉप से, नहीं पता भाई, यहाँ पर रखेंगे ये भी तो पोजिशन टू ही होगी, बट टॉप से ये भी तो होगी टॉप से। अब सुनो क्या करेंगे, दो केस, एक काम करो दो केस बन गए ना मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ इधर लिख लेता हूँ मिडल में, अब सही है, अब कन्वर्स यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर कन्वर्स सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हो, समझ रहे हो बात को, ये वाला आगे पढ़ो, नाइक इज इमीडिएटली अबव द कन्वर्स, तो कन्वर्स है नाइक ये हो सकता है, कन्वर्स है नाइक ये हो सकता है, ठीक आगे पढ़ो, एडिडास इज नॉट केप्ट एट द टॉप, तो या टॉप पे एडिडास नहीं आना चाहिए, मतलब इस जगह पे टॉप पे एडिडास नहीं आएगा। आगे पढ़ो, विक्टोरिया एंड लेवी बॉक्स आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, बर्बरी इज केप्ट एडजेसेंट टू प्राडा, नाइक एंड यूनिकोलो आर नॉट एडजेसेंट, मतलब नाइक ये है तो यहाँ कहीं यूनिकोलो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा। आगे देखो, मोर देन फाइव बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन यूनिकोलो एंड एडिडास, एडिडास इज नॉट इज अबव यूनिकोलो, अच्छा सुनो एडिडास इज केप्ट अबव यूनिकोलो, अच्छा यूनिकोलो के अबव जो एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं एडिडास आएगा, सबसे पहले तो ये समझ लो,
और ये x की वैल्यू क्या है, मोर देन 5 होनी चाहिए, ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप पढ़ो, देखो टू बॉक्स आर कैप बिटवीन द बॉक्स विक्टोरिया एंड नाइक, तो नाइक ये लिखे हुए हो, एक दो विक्टोरिया लिख पा रहे हो, नहीं एक दो विक्टोरिया यहाँ लिख पाओगे, बोलो हाँ, यहाँ वाले केस में नाइक 1 2 विक्टोरिया, दोनों के केस में विक्टोरिया इधर आएगा, समझ रहे हो कंडीशन को कि क्या कैसे चल रही है कंडीशन हमारी। अच्छा ये जो है ना, ये हमारा केस है, ये दो केस हैं हमारे, समझना, वो तो पॉसिबिलिटी वो है, ये क्या है, ये कि यहाँ पे नहीं आएगा, टॉप पे एडिडास नहीं होगा, ये हम केसेस लिखे हुए हैं, समझना इस चीज़ को। अच्छा टू बॉक्सेस आर केप बिटवीन विक्टोरिया एंड नाइक, डन। वन बॉक्स इज केप बिटवीन लेवी एंड प्राडा, लेवी एंड वन बॉक्स और प्राडा, अभी नहीं पता यार कि ये दोनों में से कौन ऊपर है कौन नीचे है, कोई बात नहीं। अच्छा जारा इज नॉट एडजेसेंट टू लेवी, जारा और लेवी एडजेसेंट नहीं है, आगे देखो कन्वर्स हो गया, नाइक इज केप्ट इमिडिएटली अबव हो गया, एडिडास इज नॉट केप्ट एट बॉटम, ओके, विक्टोरिया एंड लेवी बॉक्स आर नॉट आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके, विक्टोरिया एंड लेवी, यार यहाँ पे भी लेवी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ वाले केस में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बातें बन रही हैं, लेकिन इतना पता है विक्टोरिया और लेवी एक दूसरे के एडजेसेंट में हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट में, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं। अब सुनो, एडिडास यहाँ नहीं आएगा टॉप पे, यूनिकोलो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि भाई यूनिकोलो के ऊपर 5 के बाद, मतलब 5 से ज़्यादा के बाद एडिडास आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा यूनिकोलो, यूनिकोलो यहाँ नहीं आएगा, यूनिकोलो यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 4 ही तो बॉक्स हो पा रहे हैं, तो यूनिकोलो यहाँ नहीं आएगा, यूनिकोलो यहाँ नहीं आएगा, ऑलरेडी लिखा है यूनिकोलो और नाइक एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, और बताओ यूनिकोलो यहाँ लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो 1 2 3 4 5 6 का गैप देके, 6 का गैप देके, अब सुनना यहाँ पे, देखो सुनना, यहाँ वाले यहाँ लिखोगे यूनिकोलो, 1 2 3 4 5 छठा गैप देके एडिडास को यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखोगे, लिखना पड़ेगा क्या, लिखोगे ही लिखोगे एडिडास को यहीं पे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर तो लिख नहीं सकते थे ना, समझ रहे हो बातों को, ये मेरी यहाँ वाले केस में क्या बातें बन रही, यहाँ समझो, यहाँ वाले केस में इस वाले यूनिकोलो यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ तो वैसे भी नहीं, यहाँ क्यों नहीं लिखोगे भैया, ऊपर 5 के गैप, 5 के बाद, 5 से ज़्यादा के बाद हमको एडिडास लिखना है, यूनिक और क्या लिखोगे, यूनिकोलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं बेटा, यहाँ पे भी नहीं यूनिकोलो, यूनिकोलो यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 उसके बाद छठे के बाद नहीं लिख पा रहे, यूनिकोलो यहीं लिखोगे लास्ट में। अच्छा अब बातें क्या बनेंगी समझो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 से ज़्यादा बोला है तो छठे का गैप देके एडिडास, बेटा कहीं नहीं लिख पा रहे हो एडिडास इस वाले केस में, ये केस मेरा राइट है, ये केस मेरा राइट है। अब यहाँ पे देखो लेवी किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, अगर हम यहाँ सोचे होते लेवी यहाँ वाले इस जगह विक्टोरिया के ठीक ऊपर लेवी, तो लेवी और पराडा के बीच में एक का गैप, एक का गैप पराडा, एक का गैप पराडा, अच्छा लेकिन यहाँ एक बात बोली गई थी कि बर्बरी इज केप्ट एडजेसेंट टू पराडा, पराडा और बर्बरी एक दूसरे के एडजेसेंट में है, समझना इस चीज को, तो लेवी एक का गैप पराडा तो लिख ही नहीं सकते, एक का गैप पराडा लिखेंगे और बर्बरी यहां लिख देंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पता लेवी यहां हो, मेरा इस जगह हो, लेवी यहां रखा, एक का गैप पराडा लिख पा रहे हो, नहीं एक का गैप पराडा लिख दोगे लेकिन बर्बरी नहीं लिख पाओगे, मतलब दोनों एडजेसेंट में, तो कंफर्म बात पता चल गई है बेटा कि लेवी कहां जाएगा, ये होगा लेवी, एक का गैप पराडा नहीं जाएगा, एक का गैप पराडा यहां आ जाएगा इस जगह, पराडा है नाम है ना, हाँ पराडा, पता नहीं कैसी कैसी ब्रांड है पराडा, ठीक। अब बर्बरी इसका एडजेसेंट था तो कहां जाएगा, बर्बरी ये आ गया, बच कौन रही है ब्रांड, जारा, जारा लड़की का नाम लग रहा है जैसे, हाँ लेवी और जारा, जारा ये रहा जारा, तो क्या बना, ये बना आपका। अब देखो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, लेकिन जितना टाइम लगा उसका 50% कर देना, तो मतलब 50 उसका आधा कर देना। अच्छा देखो यूनिकोलो और एडिडास के 5 से ज्यादा होने चाहिए बॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गए ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, हर चीज सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, बस क्या था इसमें, ये था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इनइक्वालिटी का, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को किस तरीके से हवा हवा में उड़ाएंगे, बिना पेन कॉपी छूना है इनइक्वालिटी, तो बस देख के ऐसे देखना है, ऑब्जर्व करना है और माइंड में चलना चाहिए कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, ये माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। चलो इनइक्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस कर ले। ये रहे आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, ठीक है। देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। भैया देखो कंक्लूजन में डी से एस एरो जाना चाहिए और पूरे पाथ में डी से लेके एस तक मुझे ये सिंबल मिलना चाहिए, एक भी बार ये सिंबल ना मिले या फिर ये सिंबल ना मिले। तो डी यहाँ है, एस यहाँ है, पूरे पाथ में क्या मिल रहा है बेटा बताओ। तो कहोगे सर पूरे डी से लेके एस के पाथ में मुझे यही वाला सिंबल मिल रहा है, तो भैया ये सही है। ए और यू के बीच में मुझे, ए और यू के बीच में ये वाला पाथ मिले या फिर ये वाला पाथ मिले, कोई भी, लेकिन देखते हैं कि क्या है। ए से यू गेट खुला हुआ है, ए ना तो ए से हम इस तरफ मूव कर पाएंगे, दरवाजा बंद है भाई, दरवाजे बंद की ओर नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है नहीं जा, ना तो ए से यहां मूव कर पाएंगे, दरवाजा बंद है। तो बस ये एक मैं ये समझा रहा था, पहला क्वेश्चन समझाया कि किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, इसका होगा ओनली वन फॉलोस ऑप्शन ए। यहां देखो सेकंड, भैया डब्ल्यू से ओ जाना है, डब्ल्यू यहां है, इस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं, इस तरफ जाएंगे ओ दिख रहा है ये फॉलो करेगा, वाई से सी, वाई भैया रास्ता कहीं है ही नहीं कहीं, तो सी, बहुत इजी क्वेश्चन, ये नहीं होगा, ओनली वन फॉलोस, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा हलवा सारे क्वेश्चन है सारे के सारे। ये इनइक्वालिटी इजी रखी है बेटा, घबराओ नहीं, पजल अच्छी थी कि नहीं थी ये बताओ, अच्छा है ना। देखो बी से आर, बी और आर, देखो बी से आर क्या सिंबल मिला, एक बार ये वाला सिंबल मिल गया पूरे पाथ में बी से आर के बीच में, तो भैया हम रास्ते जा भी रहे हैं, बी से आर पाथ बन रहा है, सही है। एक्स से बी, एक्स बी पूरे पाथ में ये मिल रहा है, इसको 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 निगलेक्ट कर दो ना, ये निगलेक्ट है, एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब ए की जगह एक्स मान लो, और एक्स से बी, एक्स से बी, एक्स से बी यही वाला मिल रहा है, ये बोथ, इसका आंसर क्या है, बोथ बोथ, ये देखो ये एच एच यू इक्वल्स टू डी दिया हुआ है क्या, हाँ ये देखो स्टेटमेंट में यू इक्वल्स टू डी दिया हुआ है, और जब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, जब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास ये आना चाहिए। भैया U की जगह हम D लिख दे या D की जगह हम U लिख दे, बात एक ही है, H से U होना चाहिए, मामला बनना चाहिए H से U, H से U क्या मिल रहा है, यही तो सिंबल मिल रहा है ये वाला, तो कंबाइन करने पे हो जा रहा है ऐसा, आंसर आइदर। लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, उसके बाद सिलॉग्स पे, ठीक है, क्या बोला है, L से U, L और U, भैया एक ये सिंबल है एक ये सिंबल, अपोजिट सिंबल मिल गया, ये नहीं फॉलो करेगा। एस से जी, एस से जी, एस जी, एस से जी पाथ पूरा आराम से बन रहा है और एक बार अब ये सिंबल आ गया तो एस से जी पाथ बन रहा है, ओनली टू फॉलोस। बस अब आ जाओ आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन पे। सिलॉक्स का क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल ग्लव्स इज बैट, All gloves is bat. All bat is ball. All bat is ball. ठीक, No bat is stump. No bat is stump. ठीक, Only few ball are gloves. मतलब यहां सम भी चेक करेंगे प्लस सम नॉट भी चेक करेंगे, दोनों यहां पे ट्रू होना चाहिए। तो बॉल और ग्लव्स, बॉल कहां है, ये है, ग्लव्स किधर है बताओ, ग्लव्स किधर, अंदर है, तो कुछ बॉल ग्लव्स हैं बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि सारे ग्लव्स हैं, लेकिन लेकिन सम नॉट वाला कंडीशन यहां पे वैलिड नहीं हो रहा है, डेफिनेट केस में वैलिड नहीं हो रहा है कि सम बॉल्स आर नॉट ग्लव्स, हम ये नहीं कह सकते, तो मेरा कंक्लूजन वन गलत, ओनली ग्लव्स इज बॉल, बॉल सिर्फ और सिर्फ ग्लव्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, तो ये भी नहीं है, बॉल और ग्लव्स के बीच में बैट बीच में आ रहा है तो ये भी नहीं है, इसका क्या होगा, नाइदर,
नाइदर वन नॉर टू, ठीक है? बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। ओनली फ्यू बॉक्स इज कप, ओनली फ्यू बॉक्स इज कप, मतलब कुछ बॉक्स ऐसे होंगे जो कि कप नहीं है, मतलब पूरा बॉक्स कप में नहीं जाएगा पर पूरा कप बॉक्स में जा सकता है, इम्पॉसिबल केस। ऑल ग्लास इज कप, ऑल ग्लास इज कप, ऑल ग्लास इज कप, ऑल ड्रेस इज ग्लास, ऑल ड्रेस इज ग्लास, ऑल ड्रेस, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ जाएगा इसके लिए, तो ऐसे ऐसे ग्लास, और क्या बोलता, ऑल ड्रेस इज ग्लास ना, तो ऑल ड्रेस इज ग्लास, ये लो बन गया। ओनली फ्यू कप इज ड्रेस, कप और ड्रेस, ड्रेस ये है, कप ये है, तो कुछ कप ड्रेस तो होंगे, ये तो वैलिड होगा, लेकिन कुछ कप ड्रेस ना हो ये हम नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। नो बॉक्स इज ड्रेस, नो बॉक्स इज ड्रेस, नो बॉक्स इज ड्रेस, हम कंफर्म नहीं कह सकते, डाउट में है इसका भी, नाइदर वन नॉर टू। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ऑल सिल्वर इज डायमंड, ऑल सिल्वर इज डायमंड, सम डायमंड इज गोल्ड, सम डायमंड इज गोल्ड, नो डायमंड इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, आगे देखो, ऑल ब्रॉन्ज बींग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो ऑल ब्रॉन्ज, ये पूरा ब्रॉन्ज कहां उठाने की बात कर रहा है, रखने की, डायमंड के अंदर, तो भैया पूरा ब्रॉन्ज डायमंड में कैसे जाएगा, खुद सोचो कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता ना। दूसरी चीज, डायमंड एंड ब्रॉन्ज के बीच में जब बेटा कंफर्म रिलेशन पता है कि नो का है, तो उसमें पॉसिबिलिटी कैसे करा रहे हो, नहीं करा सकते हो, बिल्कुल गलत है, और ये भी 100% फॉल्स है, ये तो 100% फॉल्स है। ओनली अ फ्यू गोल्ड बींग अ डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी, समझो ओनली अ फ्यू में पॉसिबिलिटी कब ट्रू होती है कब गलत होती है, समझो इस चीज को यहाँ पे, ओनली फ्यू गोल्ड बींग अ डायमंड, तो पहले सम और सम नॉट, यहाँ पे दोनों पॉसिबल में होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, ऐसा नहीं है, समझो इस चीज़ को पहले। ओनली फ्यू गोल्ड बींग अ डायमंड, गोल्ड डायमंड, तो सम वाला पार्ट तो चलो कन्फर्म आ रहा है, पर सम नॉट वाला पार्ट तो डाउट में है ना, कि सम गोल्ड बींग डायमंड इज, सॉरी सम गोल्ड नॉट, एक सेकेंड, सम गोल्ड नॉट ए डायमंड इज पॉसिबिलिटी, ये तो ट्रू हो रहा है ना यहां पे, तो गोल्ड ये है, डायमंड यहां है, क्या पता कुछ गोल्ड डायमंड ना हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हमें इस पोर्शन की कोई जानकारी नहीं है बेटा, तो यहां तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी ना, समझना इस चीज को यहाँ पे, क्योंकि बच्चे के डाउट रहता है सर यहाँ पे जब कंफर्म रिलेशन तो आप कैसे लगा रहे हो, तो बेटा यहाँ पे दो बातें चेक करते हैं ना, सम एंड सम नॉट, सम तो कंफर्म है पर सम नॉट तो नहीं कंफर्म है ना, तो वो तो डाउट में जाएगा ना, डाउट में जाएगा पॉसिबिलिटी लग गई तो ये तो सही हो जाएगा, समझना इस चीज को यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो यार प्लीज, ठीक है? आगे देखो, आगे देखो, रब कर रहा हूं, कोई भी डाउट है अच्छा तो आप मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओनली फ्यू रेड इज ब्लू, समझो रेड ब्लू, कुछ ब्लू, सॉरी कुछ रेड ब्लू नहीं होंगे, ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन, नो ग्रीन इज ऑरेंज, नो ग्रीन इज ऑरेंज, नो ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज और रेड नहीं कह सकते बेटा, कोई भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में, डाउट में जाएगा। ओनली अ ब्लू इज ग्रीन, मतलब ग्रीन सिर्फ और सिर्फ ब्लू से कर रहा है, इंटरेक्ट करना चाहिए तो ग्रीन ब्लू से तो कर रहा है पर रेड से भी कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। ओनली को सिर्फ रिवर्स मत लिया करो, रिवर्स ऑफ ऑल समझा करो, केवल ब्लू ही ग्रीन है और कोई ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो यहां पे देखो ना ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, नीदर। स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन, ऑल पेन इज मार्कर, ऑल पेन इज मार्कर,
ऑल मार्कर इज पेंसिल, ऑल मार्कर ये पेन है, ये पेंसिल है. नो पेंसिल इज इरेजर, नो पेंसिल इज इरेजर, नो पेंसिल इज इरेजर. ओनली पेन इज पेंसिल, मतलब पेंसिल सिर्फ और सिर्फ पेन के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. तो पेंसिल पेन के साथ तो कर रहा है, लेकिन ये चीज देखो ना, बीच में एम भी आ रहा है. क्या मार्कर नहीं है बिल्कुल भी. सम इरेजर बीइंग अ पेन, इरेजर बीइंग अ पेन इज अ पॉसिबिलिटी. अरे बेटा नहीं, पॉसिबल भी नहीं है. इरेजर तो छू भी नहीं सकता पेन को, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा नाइदर. तो इससे लॉक्स में मैक्सिमम आंसर क्या थे, नाइदर 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 नाइदर. पांच में से चार तो नाइदर हो गए, एक जो था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड उसका सेकंड फॉलोज है. ठीक है, क्लियर है. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पजल का है कि सिटिंग का है. तो ये है हमारे सामने एक लीनियर अरेंजमेंट पैरेलल रो में, जिसमें आपके 12 पर्सन को बैठाना है. लेकिन ये नहीं मेंशन किया गया यहाँ पे बेटा कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, ये नहीं मेंशन है. ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो एक सेकंड कलर चेंज कर ले, बोर हो गए हम, लेते हैं रेड. चलो 12 persons B, C, D, J, K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting not necessarily in the same order in a meeting in two parallel rows containing six people each in a row that there is an equal distance between the adjacent person. In row 1, all are facing south. In row 2, all are facing north. तो structure बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये नॉर्थ देख रहा है, तो ये कौन सी रो हो जाएगी, नॉर्थ वाली रो 2. ये कौन सी हो जाएगी, रो 1 जो कि साउथ देख रही है. ठीक है, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड बी. अभी नहीं पता एम और बी के बीच में दो पर्सन है, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन. बोथ ऑफ देम आर नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. तो ये लिखो नहीं, ये माइंड में रखो कि ना तो एम ना तो बी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए. L sits to the immediate right of O. O का immediate right तो यही होगा ना, L. L sits immediate right of O. तो आप R लिख दो, immediate. ऐसे लिख दो, जैसे दिख तो रहा है immediate right है, बट आप फिर भी लिख दो immediate, ताकि याद रहे कि immediate right में, क्योंकि हमें पता नहीं ना O कौन सी direction में बैठा है, north वाली row में कि south वाली row में, मुझे नहीं पता. आगे देखो, अभी स्टार्ट नहीं करना पा रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करना है, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही. अभी देखो के एंड डी आर फेसिंग अपोजिट ईच अदर. ठीक है भैया, हमको पता चल गया के और डी आपके एक दूसरे के अपोजिट में हैं. ठीक है, ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एम. सुनो इस बात को, यहां पे इस यही लाइन एक थोड़ी सी ट्रिकी वाली थी. कह रहा कि के एंड डी फेसिंग अपोजिट ईच अदर, डन. अब ओ बैठा है इमीडिएट लेफ्ट उस इंसान के, वह इंसान जो फेस किया है एम की ओर. तो मुझे नहीं पता यार, एम ये है, एम को ये वाला पर्सन फेस किया, तो अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में. समझ रहे हो, इमीडिएट लेफ्ट में, समझ रहे हो ना बात को कि क्या कह रहा है. ये समझ में आया ना. अभी नहीं पता बेटा कि एम कौन सी रो में बैठा हुआ है. वन पर्सन सिर्फ बिटवीन एम एंड डी. अच्छा, एम और डी के बीच में वन पर्सन है. जैसे ही मैंने फिक्स करेंगे ना M को कहीं पे भी, D को रखेंगे, D को रखने का K को रखेंगे. समझना इस चीजों को. वन पर्सन सिट बिटवीन M एंड D, टू पर्सन सिट बिटवीन O एंड C. O एंड C, वन टू O एंड C, दो पर्सन बैठे हैं. उसके बाद देखो, Q एंड P आर सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड सिट्स डायगनली अपोजिट टू ईच अदर एंड Q फेसेस साउथ डायरेक्शन. डेफिनेटली बता दिया Q यहां आएगा, या तो फिर Q यहां आएगा. अगर क्यों यहां आता है तो पी यहां आएगा, सॉरी क्यों यहां आता है तो डायगनल अपोजिट पी यहां आएगा, और अगर क्यों यहां आता है तो पी यहां, सॉरी क्यों तो यहां आ ही नहीं सकता, क्यों तो फेसिंग साउथ में है, तो क्यों यहां आ सकता है, या तो फिर क्यों यहां आएगा, और कहीं तो नहीं लिख सकते ना बेटा, और डायगनल अपोजिट में है पी. तो ये लो, बातों को अभी समझो. ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर पाता. अगर मेरे एग्जाम में आता तो ये कर नहीं पाता, टाइम लगता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि पॉसिबल केसेस इसमें ज्यादा बन रहे हैं. पर वेरिएबल एक है, तो एक बार हम कोशिश कर सकते हैं इसको करने की. क्यों ये है, पी ये है, कोई गलत बात तो नहीं की यहां तक, सब सही जा रहा है. अब स्टार्ट कहां से करें सर, मेन मुद्दा तो ये बैठता है, क्योंकि क्यू तो फेसिंग साउथ है ही है और पी यहां है. क्यू और पी डायगनल अपोजिट में भी है, ये देखो डायगनल,
और या तो फिर क्यू और पी ऐसे होंगे। तो अब समझो इस चीज़ को मैं कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। अब मुझे पता है एम और बी भैया इन दोनों से कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, तो मतलब पहले एम को यहाँ रखो, दो का गैप देखे बी को यहाँ रखो, एम यहाँ रखा, एक का गैप देखे डी को यहाँ रखो, डी के सामने के को यहाँ रखो, एम के सामने ये, इस वाले बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में क्या सर ओ लिख पा रहे हैं? तो जवाब रहेगा नहीं, नहीं लिख पा रहे हैं। तो क्यों इतना कचड़ा कर दिए हो, हटाओ, कन्फर्म एम यहाँ नहीं होगा। तो बेटा एम यहाँ रखो, एक दो बी यहाँ रखो, एक का गैप देख के डी यहाँ रखो, डी के सामने के को यहाँ रखो, एम के सामने ये, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ होना चाहिए, ओ लिख दिए। एक दो का गैप सी नहीं लिख पाएंगे, एक दो सी नहीं लिख पाएंगे। ये तो बात कन्फर्म हो गई कि सर जी एम आपका इस रो में नहीं आ रहा है, एम यहाँ रख के देख लो। तो एम दो का गैप बी, ठीक है यहीं करोगे ना, कॉर्नर पे तो नहीं रखे। एक का गैप डी, डी के सामने के, एम के सामने ये, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ आना चाहिए बेटा ये। एक दो सी लिख पा रहे हो, एक दो सी लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो बेटा। अच्छा इमीडिएट लेफ्ट देखो, इसका इमीडिएट लेफ्ट तो यही होगा ना, क्योंकि ये फेसिंग साउथ है ना बेटा, इसलिए तो नहीं लिख पा रहे। अब एम यहाँ रखो, एक दो बी, एक का गैप डी, डी के सामने के, एम के सामने ये, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ, लिख पा रहे हो बेटा? नहीं लिख पा रहे हो। तो भैया क्या मिला हमको, क्या मिला कॉन्क्लूजन, यूं चुटकियों में चेक करने पे क्या मिला भैया? पी यहाँ ना रखो, पी को यहाँ रखो कन्फर्म, क्यू को यहाँ ना रखो भैया यहाँ रखो कन्फर्म। अब पक्का ये है, अब फिर से वही चीज़ें, फिर से वही चीज़ें होंगी। देखो एम एक दो बी, एक का गैप डी, डी के सामने के, एम के सामने ये, इसके मिडिल लेफ्ट में ओ, दो का गैप देख के सी, नहीं लिख पा रहे, खत्म बात, कहानी खत्म, कहानी खत्म यहीं पे ही। तो एम कहाँ रखोगे सर? यहाँ रखोगे, एक डी, एक उसके सामने के, और एक दो बी, और एम के सामने ये, उसके सामने ओ, एक दो सी, बिल्कुल भाई बन रहा है, भाई बन रहा है, केस बन गया, देखो सी बन गया। और कुछ ओ के इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी इमीडिएट राइट में एल, इमीडिएट राइट में एल ये लो। और कुछ एम और डी के बीच में एक गैप आ रहा है, एम और डी के बीच में एक गैप आ रहा है, डी के सामने के आ रहा है, और ये तो केस सही जा रहा है लग रहा है क्या? देखिए 1% से बिटवीन आर एन जे आर से, अच्छा सुनो एक पॉइंट तो छोड़ ही दिए थे, 1% से बिटवीन आर एन जे आर सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट साइड में ही आर होगा। अब मुझे नहीं पता लेकिन 1% बैठ रहा है, 1% आर लेफ्ट में। अभी बात बता दो, लास्ट लाइन पढ़ो, आर एंड पी आर सिटिंग इन द सेम रो, तो पी किधर है बेटा? क्यू ये है ना, पी किधर है? क्यू ये है, तो पी ये हो जाएगा ना, तो आर इधर ही रो में आना है, आर इधर ही रो में आना है, जे भी इधर ही रो में आना है, ब्लैंक कितने खाली हैं? एक खाली, कैसे पॉसिबल है भाई? भाई आप पी है, आर को यहाँ लिखोगे ना, और आर की पोजीशन जे से लेफ्ट साइड में है ना, जे भी यहाँ लिखोगे ना, है जगह यहाँ लिखने के लिए? जवाब मिलेगा नहीं है सर बिल्कुल भी। तो क्या हुआ मेरा बात, क्या हुई? पी तो यहीं रहेगा भैया, एम यहाँ आ जाएगा, एक दो का गैप दे के बी यहाँ आ जाएगा, एक का गैप दे के डी यहाँ आ जाएगा, डी के सामने के हो जाएगा, एम के सामने ये, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ, दो का गैप देख के सी, और कुछ जे के लेफ्ट साइड में आर, आर और पी सेम फ्लोर में, सेम लाइन में है, और कुछ, और कुछ सोचो, एम और बी हो गया, और कौन बच रहा है अब आपका? एल, एल, एल के ओ के इमीडिएट राइट में एल, तो भैया ओ इमीडिएट राइट किधर आएगा? ये जाएगा भैया, ओ ये रहा, सॉरी ओ ये रहा, क्या देख रहा हूँ, ओ ये रहा, इमीडिएट राइट किधर होगा बेटा? इमीडिएट राइट सर ये हो जाएगा मेरा, है ना? तो ओ के इमीडिएट राइट में एल, बच कौन रहा है सर? बी सी डी जे, बी सी डी, ये ओ है और ये डी है, क्यों कन्फ्यूजन हो जाती है? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये डी है क्योंकि डी और ओ एक जैसा लग रहा था, है? और कौन बच रहा है? एम एन ओ पी क्यू, एम एन नहीं हुआ है, एन ये रहा, ये रहा राइट अटैचमेंट। कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको इसका आधा लगना चाहिए टाइम, ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की, उसके बाद सेशन को क्लोज कर देंगे। प्लीज फ्रेंड देखो यार,
लाइक ज़रूर कर दो, मैं चाहता हूँ 1K व्यू आज की तारीख में, अगर हो सके तो प्लीज़ कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तभी बताए इतने अच्छे क्वेश्चन जो है ना, तभी मोटिवेशन आता है भैया अंदर से कि यार बच्चे कर रहे हैं यार, अपनी जान लगा रहे हैं, हम भी अपनी जान लगा के अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए यार उनके लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, न्यू पैटर्न का है, लेकिन यहाँ देखो न्यू पैटर्न भी बहुत ईजी लॉजिक है, बहुत ईजी लॉजिक है। यहाँ देखो प्लेस वैल्यू किसी की नहीं हो सकती, मैंने नंबर के लिए क्या बताया था, अगर जो मेरा आरआरबी पीओ मेंस का कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला सीरीज है ना, उसमें देखो मैंने नंबर के लिए था, या तो नंबर्स के लिए या तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हो सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख, नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कंसोनेंट, या पहले लेटर का लास्ट लेटर का डिफरेंस या एडिशन, सेकेंड लेटर का या फिर सेकेंड लेटर यहाँ से और सेकेंड लेटर यहाँ से डिफरेंस या फिर एडिशन इस तरीके से, या फिर किसी की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो रिजेक्ट कर सकते हैं तुरंत, कैसे 29 यहाँ दिख गया मुझको, 35 दिख गया, तो 26 तक तो होती ही होती, तो किसी की प्लेस वैल्यू तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो अलग है। अब क्या और अलग हो सकता है, या फिर इनका इनका एडिशन होगा, या फिर मिडल के दो लोगों का एडिशन होगा, लास्ट के दो लोगों का एडिशन हो जाएगा, या फिर इनका इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन वाला तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़ा नंबर यहाँ पर मेरे पास है नहीं। अर्ली को उठाओ, अर्ली की देखो, अब यहाँ पे नंबर लिखा है ना, तो भैया आपको प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए, जैसे कि अर्ली का 5 होता है, इसका 1 होता है, और इसका इसका और इसका, आर का क्या होता है 18, ठीक है, एल का क्या होता है के एल, के होता है आपका एल 12, 25, सही है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या किस तरीके से हमको 9, 7, 6, 5 आ सकता है, 6 तो हम ला सकते हैं डेफिनेटली आराम से, देखो कैसे, क्या पता इन दोनों का सम हो जाए 5, 6, 7, तो देखो 7 आ रहा है, लेकिन बेटा एक बार बताएं यहाँ पे 35 आ रहा है, तो कभी भी दो डिजिट नंबर को एक डिजिट नहीं किया जा सकता, नहीं ये वाला लॉजिक तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, ये नंबर देखो 5, 1, 6, तो 6 तो आ जा रहा है, अच्छा डेटा में देख लेते हैं, DATA है ना, डेटा में 4 ये होता है और 1 ये होता है, 4, 1, 5 हो जा रहा है, 5 भी है मेरे पास यार, अच्छा हैव देख लेते हैं, HAVE, तो H क्या होता है 8 होता है, A क्या होता है 1 होता है यार, 8 + 1 = 9 भी अवेलेबल है। एक लास्ट अच्छा चेक कर लेते हैं और मन की संतुष्टि के लिए, बीन के लिए, बी क्या होता है 2 पे होता है, ई किस पे होता है 5 पे होता है, तो 6, 7 हो जा रहा है यार, 7 तो हो जा रहा है, तो बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा होगा मेरा, मतलब कहीं ना कहीं तो यही लॉजिक लग रहा होगा। एक और लाइन चेक कर लेते हैं लास्ट नीचे वाली, और 100% श्योर होने के लिए, 2 को उठाओ, 2 की क्या होती है बताओ 20, ओ की क्या होती है 15, 20, 30, 35 देखो दिख गया है ना, बस वो काम खत्म, लॉजिक क्रैक, हमारा काम खत्म, लॉजिक क्रैक। व्हाट इज द कोड फॉर डेटा, भैया डी होता है 4 पे, ए होता है 1 पे, 4, 1, 5 ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द कोड फॉर पास, पास में पी की वैल्यू होती है 16, प्लेस वैल्यू ए की होती है +1, 16 + 1 = 17 ऑप्शन नंबर ए। व्हाट द नंबर 727 इज कोडेड फॉर विच वर्ल्ड, ठीक है जल्दी से बताओ। तो भैया आंसर बहुत आसान है इसका, बहुत आसान है, जाओ मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मिले। अब बताओ, तो भैया डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि एफ होता है 6 पे, प्लस यू होता है 21 पे, 27 आ जाएगा, बीन में बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, तो 6, 7 आ जाएगा, 27 और 7 आ रहा है, फ्यूचर बीन ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड लाई, LIE, एल होता है किस पे 12 पे, आई किस पे होता है 9 पे, क्या आ जाएगा 9, 2, 11, 21 ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस आज के, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, क्या बोला है, बस एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ 1K पहुंचा दो आज, तो आज ही रात तक मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँगा, तभी रात के 1 बज जाए 2 बजे पूरी रात निकल जाए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँगा 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर, और हिंदी में भी दिया यार, अब तो मतलब अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा रहा हूँ ना मैं। अच्छा
एक और कंप्लेन आ रही कि सर इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, तो देखो बेटा एक्सप्लेन इंग्लिश में भी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन से, ठीक है ना, कोशिश यहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डे टू में कल, और सही टाइम पर पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके आंसर मैच कराने आ जाना 7 बजे, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू बाय।